किल ऑपरेशन में जब हम किल को लाइट अप करते हैं और हमारा कैंपेन आगे बढ़ते जाता है, तो उसके हिसाब से किल के अंदर एक्रेशन फॉर्मेशन भी अकॉर्डिंग टू मटेरियल बिल्डअप होते रहता है, या एक रिंग फॉर्म होती रहती है, मान के चलिए मिडिल जोन में या इनलेट में या आउटलेट में। और एक टाइम के बाद कभी ऐसा आता है कि कोई थर्मल शॉक मिलता है उसको और वो एक्रेशन की जो रिंग है या एक्रेशन है कोलैप्स हो जाता है। तो कोलैप्स हो जाने पर हम कैसे ऑब्जर्व करें कि एक्रेशन कोलैप्स हुआ है, और जब कोलैप्स होता है तो क्या क्या प्रिकॉशन हमको रखना है, और हम कैसे अपनी किल को स्मूथ करें, तो इस समय हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, इस वीडियो में उसी के बारे में थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। आर के इन्फॉर्मेशन, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। एक्रेशन कोलैप्स इन DRI किल, क्या सिम्टम है उसके? पहला है कि स्मॉल एक्रेशन पीसेस और डस्ट जो है QRT पोर्ट से मैं आपको दिखेगी जब आप सैंपल उसका गिराएंगे। तो दूसरा है एक्रेशन पीसेस जो है CD में आने लगेंगे। तीसरा है एक्रेशन हीटिंग साउंड जो है आप किल में और कूलर में ऑब्जर्व करेंगे कि एक्रेशन कोलैप्स हुआ है, साउंड आ रहा है। एक्रेशन पीसेस विजिबल फ्रॉम CV, यदि बड़ा एक्रेशन कोलैप्स हुआ तो आप CV ग्लास से भी विजिबल होगा, आपको देख सकते हैं। व्हेन यू सिम्टम यू ऑब्जर्व इंस्पेक्ट द किल, आपको इंस्पेक्ट करना है किल को जब ऐसा सिम्टम आए, और ये ऑब्जर्व करना है कि किस जोन से और कहाँ से एक्रेशन कोलैप्स हुआ है। जब एक्रेशन कोलैप्स होता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंड व्हेन एक्रेशन कोलैप्स? किल बेड मटेरियल हाइट इंक्रीज, अंदर जो बेड हाइट है मटेरियल की वो बढ़ जाती है, बेड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और एक्रेशन कोलैप्स है, एक्रेशन का जो टेम्परेचर है बहुत हाई रहता है कंपेयर टू बेड, और जब वो कोलैप्स होता है तो ओवरऑल आपका जो बेड मटेरियल है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो मिक्स मटेरियल है उसका बेड टेम्परेचर इंक्रीज एंड कोल वाज कंज्यूम, और कोल जो है ना कंज्यूम हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड देयर इज कार्बन शॉर्टेज, वहाँ पर कार्बन शॉर्टेज होती है और कोल स्टार्वेशन हो जाता है। कोल एस स्टिक विथ एक्रेशन, और जो कोल का एस है वो एक्रेशन के साथ पीसेस के साथ स्टिक कर जाता है। डस्ट पार्टिकल जो होते हैं फॉर्म कॉम्बिनेशन एंड फॉर्म एग्लोमेट का फॉर्मेशन होने लगता है। DRI रिडक्शन रेट डिक्रीज, कम हो जाता है DRI रिडक्शन रेट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कार्बन एंड सैंपल ओवर हीट हो जाता है। बेड मटेरियल मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जिसकी वजह से जिस सेग्रेशन की वजह से आपका मूवमेंट रुक रहा था, एक डैम टाइप का जो बन रहा था वो हट गया, मतलब आपका बेड जो है ना फास्ट हो जाएगा। क्लीन अप पाथ मीन्स रिटेंशन टाइम जो है मटेरियल का वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लोजली मॉनिटर फ्रॉम CV ग्लास, आपको ऑब्जर्व करना है CV ग्लास से यदि कोई एक्रेशन है, टू अवॉइड एक्रेशन हिटिंग टू CV एंड कोल्थ्रो पाइप। समटाइम इनलेट टेम्परेचर ड्रॉप्ड ड्यू टू बेड हाइट्स डिक्रीज, मतलब यदि मिडिल जोन में था तो वो क्या होगा, बेड वहाँ पर थिन हो जाएगा और आपका इनलेट टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। डिक्रीज इन किल इनलेट ड्यू टू बेड फास्ट और विच मटेरियल फॉल डाउन एज बैक स्प्लेस इन कम इन टू द किल। इन टू द किल सिंक द टेम्परेचर। एक्रेशन एक्शन फॉर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज टू प्रोसेस, क्या करना है आपको, इंक्रीज कोल क्वांटिटी फॉर मेंटेन कार्बन अवेलेबिलिटी इन इनसाइड द किल। ड्यू टू बेड फास्ट
बैकस्प्लैश मटेरियल गोज इनसाइड द किल्न विच इज सिंक द टेम्परेचर सो इंक्रीज इनलेट एयर फॉर मेंटेनिंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर. इफ विग एक्रेशन पीसेस वॉच फ्रॉम सी वी ग्लास टेक बैक वाला सी वी और कुल्थरो का पीछे लीजिए ताकि वो उसको हिट ना कर पाए टू अवॉइड हिटिंग. टाइमली ओपन कूलर ओवरसाइज गेट आपको ऑपरेट करना है अवॉइड टू जामिंग. टाइमली चेक किल्न क्यूआरटी पोर्ट सैंपल इफ फाइंड एनी एबनॉर्मलिटी एज एस स्टिकिंग और फिजन डिक्रीज एयर फ्रॉम द पर्टिकुलर सेल एयर फैन. वैन ऑब्जर्व जब आप ये देखते हैं कि योर पोर्ट सैंपल इज नॉर्मल हो गया है और फ्रेश हो गया है तो उस समय आपको किल्न का आरपीएम को और विस नॉर्मल सफिशेंट है तो किल्न आरपीएम को डिक्रीज करना है तभी आप रिटेंशन को मेंटेन कर पाएंगे. जो आपका चल रहा था उसके अकॉर्डिंग आप रिडक्शन लेवल को मेंटेन कर पाएंगे. रिक्वायर अटेंशन टाइम फॉर प्रॉपर रिडक्शन. दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर इंचार्ज. थैंक. यहाँ पर जो अभी पिक्चर देख रहे हैं ये एक सैंपल जो है ना ओवरहीट हुआ है. इसमें आप देखेंगे कि इसकी आउटर जो सरफेस जो वाइट कलर की है इसमें तो रिडक्शन दिख रहा है और थोड़ा सा वो पोरस भी है, लेकिन जो सेंटर पार्ट है जो थोड़ा डार्क है ये पूरी तरह से अभी ना तो उसमें पोरोसिटी है और पूरा हार्ड है, मतलब इसमें रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ है. ऐसा सैंपल जब आप तोड़ेंगे तो बहुत हार्ड दिखेगा. और ये जो व्यू देख रहे हैं ये सी वी का व्यू है और आपको सामने से सी वी के सामने में एक्रेशन पीसेस दिख रहे हैं. तो कभी कभी जब एक्रेशन पीसेस बड़े होंगे तो आप सी वी से ग्लास से देखेंगे तो आपको एक्रेशन के पीसेस उससे विजिबल हो जाते हैं. तो आप समझ जाएंगे कि एक्रेशन पीसेस सी वी के सामने हैं तो उस समय आपको सी वी को थोड़ा सा बैक ले लेना है ताकि वो एक्रेशन जो सी वी को हिट ना करें. और ये जो पिक्चर है जिसे मैंने बताया था कि आपका जो पोर्ट है आउटलेट पोर्ट है उसमें जब आप मटेरियल निकालेंगे तो उसमें कुछ कुछ इस टाइप का एक्रेशन के पीसेस भी आना चालू हो जाएंगे. तो ये भी एक सिम्टम रहता है कि कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ एक्रेशन कोलैप्स हुआ है. थैंक यू. आर के इंफॉर्मेशन लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन.